अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ देशानी के साथ मैं हूं सैफ़ रहमान देशानी। बाबर आजम T20 सेंचुरियां स्कोर करने वाले दुनिया के महज दूसरे बल्लेबाज हैं। उनके अलावा एशिया से ताल्लुक रखने वाले और कोई क्रिकेटर आज तक T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरियां स्कोर ना कर सका। बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने वाले एशियन क्रिकेटर बन गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मैच विनिंग सेंचुरी बनाकर कोलंबो स्ट्राइकर्स को लंका प्रीमियर लीग में पीरको गर्ल टाइटंस के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी दिलाई। बाबर ने अपनी इनिंग्स का शानदार आगाज किया क्योंकि उसने पहले ही ओवर में कासन राजेता को लगातार 3 छक्के लगाए, जबकि टाइटंस की तरफ से दिए गए 189 के हदफ का ताकुब किया। बाबर ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा और छठे ओवर के अख्तितम तक रिचर्ड नगरवा को 5वें ओवर में बाउंड्री और तबरेज शमसी को छक्का लगा दिया। पाकिस्तान के कप्तान ने 34 गेंदों पर रवानी से निफ सेंचुरी बनाते हुए अपना हंगामा जारी रखा, जो मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में उनकी 87वीं 50 थी। 14वें ओवर में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने केला धनंजिया को 2 छक्के और 1 चौका लगाया। उसके बाद 15 ओवर में राजेता को छक्का लगाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे क्योंकि उन्होंने 16वें ओवर में शकीब को छक्का लगाकर स्ट्राइकर्स को हदफ के करीब पहुंचा दिया। बाबर ने सिर्फ 57 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए नगारावा को बाउंड्री लगाई। स्ट्राइकर्स को आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे, जिसकी वजह से बाबर ने बड़ा शॉट खेला। ताहम वो गलत अंदाज में 104 रन की इनिंग्स खेलने के बाद लॉन्ग ऑफ पर कैच हो गए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। नवाज ने 4 गेंदों पर 14 रन की इनिंग्स खेल कर स्ट्राइकर्स को फिनिश लाइन पार करवाई। वाजे रहे कि T20 में बाबर की 10वीं सेंचुरी थी। मुख्तसर तरीन फार्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां 22 सेंचुरियों के साथ सिर्फ क्रिस गेल उनसे आगे है, जबकि उनके अलावा एशिया से ताल्लुक रखने वाले और कोई क्रिकेटर आज तक T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरियां स्कोर ना कर सका। तो ये थी नाजरीन आज की न्यूज अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।